हाय गाइस, तो फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके डेली लाइफ में यूज तो होते हैं बट आप उसके बारे में शायद नहीं जानते हैं, क्योंकि आप जब भी कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते हैं तो अगर आपको शॉर्टकट पता होता है ना तो उसी चीज़ को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज आप शॉर्टकट नहीं जानते हैं तो क्या होता है कि उसी चीज़ को लंबा प्रोसेस से बस जैसे स्टेप बाय स्टेप क्लिक करके माउस के थ्रू करते हैं तो थोड़ा सा वो चीज़ें लंबा हो जाती है। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट पता होती है तो उसी चीज़ को बस फटाफट आपने शॉर्टकट क्लिक किया और आपने अपना काम फिनिश करके जल्दी से कंप्लीट कर लिया। तो गाइज, वही सारी चीज़ों के बारे में, कुछ ऐसे शॉर्टकट के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपका भी काम करने का जो स्पीड है, काम करने का जो तरीका है, वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो गाइज, जो सबसे पहला हमारा कीबोर्ड का शॉर्टकट है वो है विंडोज़ प्लस वी। जैसे कि आप लोग को यहाँ पर डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, विंडोज़ प्लस वी से क्या होगा, जैसे आप विंडोज़ प्लस वी बटन को प्रेस करेंगे तो राइट साइड में एक छोटा सा पॉपअप विंडो ओपन होके आएगा। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, जैसे आपका पॉपअप ओपन होगा तो आपको क्या करना होगा, क्लिपबोर्ड को एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट हमारे में ऑलरेडी है इसलिए ऐसा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। आपका एक्टिवेट नहीं होगा तो आपको एक्टिवेट करना होगा। सिंपली इससे बेनिफिट क्या होता है कि कुछ भी चीज़ें को अगर आप कॉपी करते हैं ना तो एज ए हिस्ट्री वर्क करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया, कुछ यहाँ से हम कॉपी करके आपको दिखा देते हैं। जैसे कि फॉर्मली यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको हम सिंपली कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया, इसके बाद हमने फेसबुक को कॉपी कर लिया, दो चीज़ें कॉपी किया। अब हम क्या करते हैं, विंडोज प्लस वी बटन दबा के क्लिपबोर्ड को ओपन करके आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखिए ओपन कर लिया क्लिपबोर्ड को, आप देखिए यहाँ पे जो मैंने फॉर्मली कॉपी किया था ये भी है, फेसबुक भी है। अब आपको यहाँ पे मान लीजिए इसमें से पेस्ट करना है, तो जैसे आप विंडोज प्लस वी दबा लीजिए, आपको अगर फॉर्मली को पेस्ट करना है तो सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए, ये वाला पेस्ट हो गया। अगर आपको फेसबुक जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है तो इस तरह से फेसबुक पे क्लिक कर दीजिए, फेसबुक पेस्ट हो गया। तो ये हमारा जो कॉपी पेस्ट का कुछ, अगर आप वर्क करते हैं, इंटरनेट पे वर्क करते हैं तो इस तरह का यूजेज आपको पड़ता है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा लंबा वर्क करना पड़ता है। जैसे कि ये चीज़ें कॉपी किया, फिर से हमको पेस्ट करना हुआ, फिर से प्रीवियस पे इस तरह से करना होता है। तो इस तरह से अगर नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको एक्टिवेट कर लीजिए, आपका जो क्लिप बोर्ड है इस तरह से ओपन हो जाएगा और आप अपने काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मतलब कि एज ए हिस्ट्री वर्क करता है, जितने भी आप कॉपी करते हैं चीज़ें को वो यहाँ पे हिस्ट्री में रखता है। सिंपली यही काम है क्लिप बोर्ड का। अगला जो हमारा शॉर्टकट है वो है विंडोज शिफ्ट एस। विंडोज के साथ शिफ्ट बटन और शिफ्ट के साथ एस बटन, मतलब कि तीनों एक साथ दबाएंगे, विंडोज शिफ्ट और एस, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप बहुत ही तरह का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि नॉर्मली लोग क्या करता है कि विंडोज के साथ साथ प्रिंट स्क्रिप्ट दबा देता है तो स्क्रीनशॉट ले लेता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पूरा आपका स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ सिलेक्टेड एरिया का ही हमको स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए सिंपली इस तरीके का यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा तरीका भी है। जैसे कि मान लीजिए गूगल जो लिखा हुआ है, सिंपली हम चाहते हैं कि इतना ही का स्क्रीनशॉट हमें लेना है, तो सिंपली यहाँ पे एक जो कर्सर के जैसा यहाँ पे आ गया है इसको पकड़ के और इस तरह से आप खींचिए, अब आपको केवल इतना ही स्क्रीनशॉट दिखेगा। जैसे कि ये स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया, अब सिंपली ये सेव हो गया है हमारे इमेज वाला फोल्डर में जहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट सेव होता होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेव हो गया, इस पर क्लिक करिएगा आप, इस तरह से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे एक और बेनिफिट है कि यहाँ पे आपको कुछ अगर मार्क करना है तो आप यहाँ पे मार्क भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर रेड कलर से कुछ मार्क करना है तो इस तरह से आप मार्क भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, यहाँ पे जो सेव का बटन है इस पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं, या नॉर्मली कंट्रोल एस से जो आप सेव करते हैं उस तरह से भी सेव कर सकते हैं। अगला जो हमारा शॉर्टकट है वो है विंडोज प्लस आई। विंडोज प्लस आई से क्या होता है कि आपका सेटिंग ओपन होता है। जैसे कि कुछ काम कर रहे होते हैं लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, तो आप कभी कभी हमें कंप्यूटर के सेटिंग को ओपन करना होता है कुछ चीज़ें की वजह से, तो उसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं, विंडोज बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पर सेटिंग सर्च करते हैं, उसके अंदर जाते हैं। नॉर्मली अगर आप इसी चीज़ को आप शॉर्टकट के माध्यम से करना चाहते हैं तो सिंपली बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, विंडोज़ के साथ आई बटन प्रेस करना होगा। देखिए यहाँ पर सेटिंग ओपन हो गया, अब यहाँ से आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगला जो हमारा कीबोर्ड का शॉर्टकट है वो है विंडोज प्लस ई। इससे क्या होगा कि आपका जो फाइल एक्सप्लोरर है वो ओपन हो जाएगा। उसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं कि दिस पीसी को ओपन करते हैं, जो चीज़ें करने के लिए जैसे कि ड्राइव में जाना होता है तो हमें दिस पीसी को ओपन करना होता है, या अगर आप किसी और विंडोज में हैं तो माई कंप्यूटर को ओपन करना होता है। इसी चीज़ को अगर आप शॉर्टकट से ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली विंडोज़ के साथ ई बटन प्रेस करिए, आप यहाँ पर आ जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर में, और यहाँ से अपने जितने भी ड्राइव है उसको मैनेज कर सकते हैं।
अगला जो हमारा कीबोर्ड का शॉर्टकट है वो है विंडोज़ प्लस डी। इससे क्या होगा, ये बहुत ही कमाल के शॉर्टकट है। इससे क्या होगा कि मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं और आपके रूम में कोई आ गया, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई आ गया और आप चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं और जो पर्सन आया है उसको नहीं दिखाना चाहते हैं, किसी अदर पर्सन को नहीं दिखाना चाहते हैं, तो उस टाइम आपको काफ़ी घबराहट हो जाती है और आप जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को काटने लगते हैं, मतलब कि बंद करने लगते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, जैसे आपके साथ कुछ इस तरह का सिचुएशन आता है तो सिंपली आपको क्या करना है, विंडोज़ के साथ डी बटन प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट आप डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और सारी चीज़ें मिनिमाइज हो जाएगी। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें कट जाएगी, जी नहीं, सारी चीज़ें मिनिमाइज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जितने भी चीज़ें ओपन रहेगी सारी चीज़ें मिनिमाइज हो जाएगी और आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। अगला जो हमारा कीबोर्ड का शॉर्टकट है वो है विंडोज़ प्लस ए। विंडोज़ प्लस ए से आपको क्या होगा कि जैसे आप सेटिंग को ओपन करना होता है क्विक सेटिंग को, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं मैसेज का जो सिंबल है यहाँ पे, और यहाँ से आपको ब्लूटूथ नाइट लाइट जो भी चीज़ ऑन ऑफ करना होता है करते हैं। सिंपली आपको माउस को यहाँ पे लेके आना होता है और करते हैं। नॉर्मली आप काम करना होता है और इस चीज़ का आपको बराबर यूज पड़ता है, मतलब कि डेली लाइफ में यूज पड़ता है कि यहाँ पे आके आपको सारी चीज़ें ऑन ऑफ करना होता है। तो सिंपली उसके लिए बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है, विंडोज़ के साथ आपको ए बटन प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे आके क्लिक करने की जरूरत नहीं है। अगला हमारा शॉर्टकट है विंडोज़ प्लस टैब। विंडोज़ के साथ अगर आप टैब बटन को दबाते हैं तो आपके सिस्टम में जितने भी विंडोज़ ओपन रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्रोम ओपन है, फाइल एक्सप्लोरर ओपन है, फोटोशॉप ओपन है और फिल्मोरा ओपन है, तो जितने भी चीज़ें ओपन रहेगी सारी चीज़ें यहाँ से आ जाएगी। ये बहुत ही अच्छा है, इस तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं जो आपका काम करने का तरीका है और स्पीड है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेनिफिट्स क्या मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे क्रोम पे ओपन है, किसी अदर विंडोज़ में आपको जाना है तो आपको थोड़ी देर के लिए याद नहीं होता है कि कौन सा विंडोज़ कहाँ पे खुला हुआ है। तो सिंपली विंडोज़ के साथ टैब बटन दबा दीजिए, यहाँ पे सारी चीज़ आपको दिख जाएगी कि किसमें क्या चीज़ें चल रही है, उस पर आपको क्लिक करके चले जाएँ। जैसे कि हमें फोटोशॉप में जाना है तो सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे फोटोशॉप है, फोटोशॉप पे हम क्लिक कर देंगे, फोटोशॉप के अंदर आ गए। इस तरह से यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कमाल का फीचर्स है। अगला जो हमारा शॉर्टकट है वो है विंडोज़ प्लस एल, जिससे आप कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं। लॉक इन द सेंस कि कंप्यूटर को स्लीप मोड पे कर सकते हैं, जैसे कि आपको थोड़ी देर के लिए कहीं जाना है तो आप कंप्यूटर को लॉक करके जाते हैं, मतलब कि स्लीप पे लगा के जाते हैं। तो उसके लिए सिंपली आप पावर बटन पे यहाँ पे जाकर और पावर बटन पे क्लिक करके और स्लीप सेलेक्ट करते हैं, इसी चीज़ को आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ प्लस एल दबाएंगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो स्लीप मोड पे चला जाएगा, मतलब कि लॉक हो जाएगा। गाइज आज की वीडियो में इतना ही शॉर्टकट रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग काफ़ी बोर फील करने लगेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।